नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को दे दी है। 35 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने बताया कि इस मामले की सच्चाई सामने आना क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच सामने आना जरूरी है ताकि सुशांत की आत्मा को शांति मिल सके। साथ ही फैसला आते ही अलग अलग लोगों के बयान आने शुरू हो गए। देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं। लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया और साथ ही मुंबई पुलिस को जाँच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जाँच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका भी लगा है और साथ ही एक बात सामने आई है, महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती भी दे सकती है। सीबीआई जांच पर रिया के वकील ने क्या कुछ कहा ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जाँच पर रिया के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्ट्स, परिस्थितियों और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट को देखने के बाद पाया कि मामले की सीबीआई जांच से ही एक्टर को न्याय मिलेगा, क्योंकि रिया ने खुद भी सीबीआई जांच की वकालत की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि दोनों राज्यों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसे देखते हुए सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया। क्योंकि अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपी है तो रिया सीबीआई द्वारा जांच का सामना करेंगी, जैसे कि रिया ने पहले मुंबई और फिर परिवर्तन निर्देशालय के साथ जांच में सहयोग किया था। रिया का कहना है कि सच्चाई वही रहेगी जो चाहे कोई एजेंसी मामले की जांच कर रही हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबित हुआ है कि बिहार पुलिस ने सही कार्रवाई की थी। बिहार सरकार का फैसला कानून के हिसाब से लिया गया था। अब सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा और मामले का सच सामने आएगा। सबकी इच्छा थी कि सुशांत केस की जांच सीबीआई से हो। सुशांत केस की जांच सीबीआई ही सही तरीके से करेगी। सुशांत से पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत का भी बयान आया। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ने सही तरीके से मामले की जांच की है। मुंबई पुलिस को उनके ही राज्य के नेता बदनाम कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। सच और न्याय की जांच हमेशा जीत होती है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयान देना सही नहीं। सुशांत केस में पहले दिन ही राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र की परंपरा है कि हर किसी को न्याय मिले, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अब अगली कार्रवाई के लिए सीबीआई की टीम जांच के लिए मुंबई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की टीम मुंबई जाने वाली है। अब केस की जांच मुंबई में ही की जाएगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी गवाहों और संदिग्धों के बयान, फोरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगेगी। सीबीआई क्राइम सीन का विजिट करेगी। एजेंसी क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है। सीबीआई उन लोगों के बयान दर्ज करेगी जो सुशांत की मौत के वक्त वहां मौजूद थे। सीबीआई रिया, उनके भाई शोविक, पिता इंद्रजीत और बाकियों को समन भेजेगी। इसके बाद ही सीबीआई किसी की गिरफ्तारी का फैसला लेगी। कई और नेताओं के बयान आए जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर कहा कि मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं। आज का दिन सुशांत के परिवार और उनके फैंस के लिए काफी इमोशनल है। 66 दिन के बाद मन सुकून महसूस कर रहा है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने केस को लेकर अपनी आवाज उठाई। पहली बार मुंबई पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है। अब सच की जाँच होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। सुशांत केस की जांच सीबीआई को मिलने के बाद तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिए हैं। कंगना रनौत ने एसएसआर वॉरियर्स को बधाई दी। कंगना ने इसे मानवता की जीत बताया। वहीं अक्षय कुमार ने भी सीबीआई जांच पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर सच सामने आने की उम्मीद जताई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत केस में जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर खुशी जताते हुए काफी कुछ कहा। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच और उनके अफसर को क्वारंटाइन करने पर सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि बिहार पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया। ये अन्याय के खिलाफ जीत है। हमें विश्वास है कि सुशांत को न्याय मिलेगा। हम पर कई आरोप लगाए गए, हमें जांच नहीं करने दी गई। पटना पुलिस सब कुछ कानूनी रूप से कर रही थी। रिया की हैसियत नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कहा कि 66 दिनों के बाद आज सुशांत के चाहने वालों को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार पता नहीं किस बड़े आदमी को बचाना चाहती है और अपने अहंकार की वजह से अब तक यह केस सीबीआई को नहीं दिया था।
जिसका आज अहंकार टूट गया है। महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस से भी माफी मांगे जिन्होंने उनकी छवि खराब करने का प्रयत्न किया है। सुशांत के वकील बोले अब न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ये बड़ी जीत है। कोर्ट ने भी माना है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी, ये ऐतिहासिक फैसला है। इंसाफ की तरफ से ये पहला और बड़ा कदम है। अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी और सुशांत के परिवार को उनकी मौत का सच पता चल सकेगा। रिया ने कल जो बयान जारी किया था वो केवल सहानुभूति पाने के लिए किया था। सुशांत केस में जांच सीबीआई को मिलने के बाद एक्टर का परिवार काफी खुश है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया और कहा आखिरकार केस की जांच सीबीआई करेगी। वहीं अंकिता लोखंडे ने भी लिखा सच जीता। खबर थी कि ईडी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर मुंबई में सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन इसकी सच्चाई सामने आई है जिसके मुताबिक ईडी ने दिल्ली से जुड़े एक केस के लिए मुंबई में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया है। इसका सुशांत सिंह राजपूत के मनी लॉन्ड्रिंग केस से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने सुशांत केस में दर्ज किए गए कई बयानों में अस्थिरता पाई है। रिया चक्रवर्ती जिनसे दो बार पूछताछ हुई, उनके भाई शोविक से तीन बार, श्रुति मोदी से दो बार, सिद्धार्थ पठानी से दो बार ईडी ने पूछताछ की। अभी तक ईडी ने 13 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एजेंसियों का कहना है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जानकारी शेयर नहीं की है, न ही उनकी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट साझा की है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ईडी सुशांत के केस के प्रमुख संदिग्धों को फिर से समन करेगी। उनसे पूछताछ के लिए ईडी सुशांत के पिता द्वारा दर्ज किए गए बयान का सहारा लेगी और संदिग्धों को काउंटर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।